नमस्कार साथियों, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। लंबा वक्त बीत चुका है जब संस्कृति से जुड़ी हुई कोई झलकियां आपने हमारे चैनल पर नहीं देखी हो, तो आज हम आपको ऐसी ही एक खूबसूरत प्रस्तुति लेकर आए हैं जौनसारी कल्चर से जुड़ी हुई। जी हाँ, जौनसार की संस्कृति में एक जंगबाजी प्रतिस्पर्धा आपने पूर्व में देखी होगी, लेकिन समय के साथ वो विलुप्त होती जा रही है। उसी जंगबाजी प्रतिस्पर्धा की हमने तीन कैटेगरी को अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक प्रस्तुत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो तीनों कैटेगरी किस तरीके से होगी? एक कैटेगरी में आप देखेंगे कि बुजुर्ग, जो करीबन 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग है, उनकी प्रस्तुति हम आपको दिखाएंगे। जो उस गांव के आंगन में पैदा हुए, उस गांव के आंगन में उन्होंने संस्कृति को देखा और वहीं से वो आज तक उस प्रस्तुति को दे भी रहे हैं। इसके अलावा युवाओं की भी है, वही प्रस्तुति युवाओं ने भी उसमें एक प्रतिस्पर्धा दी है। उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से युवा और उन बुजुर्गों में कौन बेहतर कर रहा है। ये चयन आपको करना है, लेकिन आप तो अभी कर पाएंगे अगर आप उसको बारीकी से समझते होंगे। हमने बहुत कोशिश की इन तीनों प्रस्तुतियों के चयन की कि कौन बेहतर है, कौन दूसरे नंबर पे है और कौन सबसे लास्ट नंबर पे है, लेकिन सच कहे तो हमें इसका अनुभव नहीं है, हमें इस प्रतिस्पर्धा की बारीकियों की जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसका चयन नहीं कर पाए हैं। तीसरी प्रतिस्पर्धा का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें आप हैरान होंगे, शायद कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शायद वो बालिकाएं पैदा भी विकास नगर या देहरादून के हॉस्पिटलों में हुई होगी और बचपन से लेकर माता पिता की रोजगारी की समस्या देखें या फिर पलायन का कोई ना कोई कारण रहता है जिस कारण से शायद वो बचपन से ही बाहर रही है, विकास नगर या देहरादून में रही है, बावजूद उसके भी उन्होंने उस जंगबाजी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था और उस प्रतिस्पर्धा को आपको दिखा भी रहे हैं। आप चयन जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी प्रतिस्पर्धा आपको सबसे बेहतर लगी, लेकिन थोड़ा लंबा है, आपको देखनी पड़ेगी तीनों ही प्रतिस्पर्धा को। तो आपको लेकर आए हैं आज डीसीपी न्यूज एक ऐसी खूबसूरत जौनसारी संस्कृति की जंगबाजी प्रतिस्पर्धा। तीन कैटेगरी में मैं आपको फिर बता रहा हूं, बालिकाओं की है, युवाओं की है और बुजुर्गों की है। तो उस तीनों ही कैटेगरी की प्रतिस्पर्धा को आप देखिए, एनालिसिस कीजिए, जो इसको बारीकी से जानता है खासतौर पर वो चयन कीजिए कि उस ढोल की धुन पर कौन से जो प्रतिस्पर्धा है, कौन सी कैटेगरी जो है खूबसूरत और पूरी तरीके से उस ढोल की धुन पर थिरक रही है। और ये प्रतिस्पर्धा है 2014 से जहां प्रवासी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ग्राम मुंशी गांव की। जी हाँ, लेकिन आज हम, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य यही था कि आज जिस संस्कृति को हम विलुप्त होने जा रहे हैं वो संस्कृति आज भी जिंदा है। और सबसे बड़ा जो मैसेज उन बालिकाओं ने दिया है वो ये कि जिनकी रगों में संस्कृति का खून दौड़ता है ना, वो भले ही मजबूरन किसी कारण उस गांव के आंगन को छोड़ चुके होंगे, लेकिन उनके हृदय में, उनकी नसों में, उनके रग रग में आज भी अपनी संस्कृति का खून दौड़ता है, जो आप इस प्रस्तुति में इन बालिकाओं के द्वारा देख सकते हैं। जो बालिकाएं बचपन से उस गांव को बेशक छोड़ चुके हैं, लेकिन उस गांव की संस्कृति आज भी उनकी नस नस में, उनकी रग रग में दौड़ती है। देखिएगा ये खास प्रस्तुति। फिलहाल मैं आपसे लेता हूं इजाजत।
Thank you.